Bluetooth mode. दोनों भाइयों सिस्टम पार देंगे। तो गाइज़ वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज़ बहुत दिनों से मेरे पास बहुत सारे स्पीकर्स पड़े हुए थे, तो इन स्पीकर का यूज़ करके आज हम एक बड़ा सा होम थिएटर बनाने वाले हैं। तो गाइज़ इस होम थिएटर को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लाईबोर्ड का बॉक्स, और गाइज़ इसको मैंने कारपेंटर के शॉप से जाकर बनाया हुआ है। तो वहाँ पर से आप सभी लोग इसको बना सकते हैं, काफ़ी सस्ते दाम में आप सभी लोग को ये बना के दे देंगे वो लोग। और इसमें कि आप सभी लोग जैसे कि देख सकते हैं, इसमें मैंने 3 हॉल किया हुआ है। तो पहला तो हो गया, इसमें हमारा वूफर कनेक्ट होगा जो कि बड़ा वाला हॉल है इसमें, और ऊपर में तो ये हमारा बेस जो होता है वो बेस निकलेगा यहाँ पर, और ऊपर वाला जो हॉल है उसमें हमारा जो ब्लूटूथ पैनल है वो लगेगा। सो इसके बाद गाइस इस होम थिएटर को बनाने के लिए मैं 2 सर्किट बोर्ड का यूज़ करने वाला हूँ। तो एक तो हो गया ये हमारा ब्लूटूथ पैनल, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इस ब्लूटूथ पैनल में गाइस हमें एक अच्छा सा रिमोट मिल जाता है, एक ब्लूटूथ पैनल मिल जाता है और थोड़ा सा वायर मिल जाता है गाइस। और दूसरी बात तो ये है कि गाइस इसमें आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। इसमें सिर्फ आपको एक ब्लूटूथ पैनल की ज़रूरत पड़ने वाला है, एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ने वाला है, और एक ये जो सर्किट बोर्ड है जो कि अभी मैं आप सभी लोग अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला सर्किट बोर्ड आप सभी लोग ज़रूरत पड़ने वाला है, जो कि 5-in-1 होम थिएटर का सर्किट, तो ये आपको लगेगा। तो इसी सर्किट बोर्ड से हमारा होम थिएटर चलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम इस स्पीकर को यहाँ पर फिट करने वाले हैं। तो ये स्पीकर मेरे घर में पड़ा हुआ था, ये JBL का स्पीकर है, तो इसको मैं वूफर के रूप में कनेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्पीकर को इसमें कनेक्ट करते हैं। तो चलिए गाइस अभी हमारा वूफर यहाँ पर फिट हो चुका है। तो चलिए अभी हम इस सर्किट बोर्ड में कनेक्शन करते हैं। तो चलिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं, और सर्किट डायग्राम मैं आप सभी लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर से आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं कम्युनिटी टैब में इसका सर्किट डायग्राम दे दूंगा। तो अभी आप सभी लोग देख सकते हैं गाइस हमने इस सर्किट बोर्ड में कनेक्शन कर दिया है, और इसको हमने अभी ज़मीन पर ही रखा है। तो चलिए अभी मैं इसको टेस्टिंग करके हुए देख लेता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं गाइस ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, और इसका बेस भी आप सभी लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बेस है यहाँ पर, और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो चलिए अभी इस सर्किट बोर्ड को फिट करते हैं इसके अंदर, और उसके बाद देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो सर्किट बोर्ड को इस बॉक्स में फिट करने से पहले हम कुछ होल कर लेते हैं। इसके बाद गाइस मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ 12 012 का ट्रांसफार्मर, जो कि इसमें पावर सप्लाई देगा। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को भी इसमें कनेक्ट कर देते हैं। So guys, this video is sponsored by Altium 365 and Altium Student Lab. Are you ready to take your PCB design collaboration to the next level? With Altium 365, you can bring your entire electronic design workflow to the cloud. Imagine seamless collaboration with your team, real-time component sourcing updates, and effortless project management all in one platform. Say goodbye to the version control nightmares and hello to the streamlined efficiency. Whether you are a solo designer or part of a large team, Altium 365 has the tools you need to succeed. Transform the way you design. Start your journey with Altium 365 today, and you can also use Altium New Student Lab. Are you an engineering student eager to work on real-world projects? Altium Student Lab is for you. With Altium Student Lab, you gain practical skills, collaborate with peers, and bridge the gap between academic theory and industry practice. Work hand-on with real projects and get industry-ready. Join Altium Student Lab today and design your future. तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं गाइस, हमने इस ट्रांसफार्मर को इसमें कनेक्ट कर दिया है और वायरिंग भी हमने इसमें कर दिया है। तो गाइस इसके बाद हमें बेस को फिट करना पड़ेगा। तो बेस के लिए ये वाला वायर है जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं। तो इन तीनों वायर को हम इस हॉल में से निकाल लेते हैं और हम बेस को यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो चलिए अभी हमारा बेस फिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर स्पीकर को भी कनेक्ट कर दिया है जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको बंद करते हैं यहाँ पर। तो गाइस बंद करने से पहले यहाँ पर हमें ब्लूटूथ पैनल को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ब्लूटूथ पैनल को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी हम इस बॉक्स को इसमें फिटिंग कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी जो हमारा एम्पलीफायर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो हमारा वो पुराना वाला स्पीकर्स था उन सभी को हम यहाँ पर कनेक्ट करने वाले इस होम थिएटर के साथ। तो चलिए उन सभी स्पीकर को हम एक एक करके कनेक्ट करते हैं इसमें। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हमने सभी स्पीकर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम इसका बेस सुनते हैं कि कैसा बेस आ रहा है और कैसा इसका स्पीकर की क्वालिटी है। तो चलिए गाना बजाना स्टार्ट करते हैं इसमें।